तुम लोगों के तो बेफाइ। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल, आई एम रणाली व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पे जो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बेवकूफी के सवाल, मतलब क्या है, एक क्या पूछा था, कितना मारना चाहिए इससे, कितना मारना चाहिए बोलो, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं इस हिसाब से तुम्हें मैं इससे कितना मारूं। मेरे ख्याल से तो 100, 200, 300 जितने तुम्हारी बर्दाश्त की हद से भी पार हो उससे ज्यादा मारना चाहिए मुझे, है ना। वाकई में कितना मारना चाहिए बोलो, क्यों कितना मारूं, इतना मारना चाहिए ना कि तुम, और मारने के बाद जो जख्म हो ना उन पे लगानी चाहिए लाल मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जितनी तीखी मिर्च हो उसके ऊपर थोड़ा सा चटपटा सा नींबू निचोड़ के, कितना अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा ना। कितने मारने चाहिए, इतने पढ़ते हैं ना ये, इतने पढ़ते हैं, पुराने जमाने में पढ़े हैं ना किसी गुलाम की क्या हालत होती थी, जब कोई काम नहीं करता था तो इससे मारा जाता था उठ के, और ऐसा मारा जाता था कि उसके शरीर पे निशान बराबर दिखाई देते थे कि ये ऐसा काम हुआ कैसे नहीं, तुमसे बोलो कैसे नहीं किया ये काम, ये सामान कैसे टूटा, कैसे टूटा ये हाथ, अपने बाप के घर पे गिरवी रख के आए हो जो ये सामान टूट गया, दो हाथ है ना पास में तो कैसे टूटा ये, पैसे कौन भरेगा इसके, तेरा खानदान, क्यों ऐसे होता था ना। तो जब ये पढ़ता था ना इसके निशान बराबर दिखाई देते थे, बराबर दिखाई, किसी को कम या ज्यादा नहीं पढ़ता था, सबको बराबर, काम चोर लोगों को तो बराबर मात्रा में पढ़ता था, ताकि वो इंसान हो या जानवर, जानवर ही होते थे पहले के जमाने में लोग, इससे मार खाने वाले इंसान कम जानवर ज्यादा, उनकी क्या जगह है क्या औकात है उनको पता होता था, लेकिन शायद तुम लोग भूल जाते हो बार बार कि तुम क्या हो, गुलाम, हुक्म नहीं मानोगे तो क्या होगा, इससे मार पड़ेगी, और इतनी ज्यादा मार पड़ेगी तुम अपने इन दो हाथों से खाना भी नहीं खा पाओगे, खाना तो तुम्हें फिर मेरे पैर से मिलेगा, ऐसा नहीं रहना ना, आया ना, ऐसा नहीं रहना, तो आगे से संभल के रहना और तमीज से रहना, क्योंकि मेरा दिमाग किसी दिन अगर खिसका तो वाकई में मुझसे बुरा इंसान ना कोई था ना कोई है और ना कोई होगा, इससे इतना मारूंगी कि जबान भी बाहर ही आएगी, हलक के अंदर रही दिखाई नहीं देगी, तो आगे से अपनी हद में रहना, समझे तुम लोग, बाय।